बाबरी विध्वंस, बरसी पर ओवीसी का भड़काऊ बयान, कहा इस अन्याय को कभी मत भूलना। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमान के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाए कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी थी। इस मस्जिद के हॉल में हमारे पूर्वज इबादत करते थे और इसके आंगन में रोजा तोड़ा करते थे। मौत होने पर उन्हें आसपास के कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ये बाबरी विध्वंस की पहली बरसी है। विध्वंस के सभी आरोपी अदालत से बरी हो चुके हैं। AIEMIEM के ओवैसी ने कहा कि हमें इस ना इंसाफी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद को अपवित्र किया गया और 42 इयर्स तक अवैध रूप से कब्जे में रखा गया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, याद रखें और अगली पीढ़ी को सिखाएं। 400 वर्षों तक हमारी बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी रही। हमारे पूर्वजों ने इसके हॉल में इबादत की, इसके आंगन में एक साथ रोजे को तोड़ा और जब वे मर गए तो उन्हें बगल के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इस अन्याय को कभी मत भूलना। हैदराबाद से सांसद ने आगे कहा, 22-23 दिसंबर 1992 की रात को हमारी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और 42 इयर्स तक इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। आज ही के दिन 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को एक दिन की भी सजा नहीं मिली। इस नाइंसाफी को कभी मत भूलिए।